हेलो गाइस, आज हम देखने वाले हैं खान सर का वीडियो जो कि एएलपी सीट इंक्रीज के बारे में बोले हैं। तो चले देखते हैं। जय हिंद। देखिए, जो भी बच्चे रेलवे के हैं वो एएलपी और टेक्नीशियन को लेके जो कन्फ्यूजन में थे, आज हमारी एक लंबी मीटिंग हुई डिपार्टमेंट के साथ और आपकी लगभग सारी समस्याओं को हम वहां रखे। पिछले 4-5 रोज से ऐसे ही, कभी दिल्ली में थे तब या पटना में है तब, आपकी लगभग सारी बातों को हम वहां रख दिए हैं। अब जो बच्चे फिजिकली प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप लोगों को हम समझाना चाहते हैं कि आप जहाँ बातें रखना चाहते हैं ना, वहाँ हम आपकी बातों को रख दिए हैं वहाँ पे, और आपकी लगभग 80% से ज्यादा बातों को वो लोग मान चुके हैं। अब जैसे आप लोग प्रोटेस्ट करिएगा तो आप ही के भीड़ का फायदा उठा के राजनीतिकरण हो जाएगा वहां पर। अब आपके भीड़ में से कोई पत्थर चला देगा, फिर उधर से कुछ होंगे, तो फिर आप बच्चों आप समझिए ध्यान से, किसी भी चीज से किसी का लॉस करना आपका कोई सही उद्देश्य नहीं है। सही कहा हम में खानसर भी आपने, पूर्ण विश्वास है कि कभी भी बच्चे इस तरह सही से नहीं कहा। करते हैं, लेकिन आप भोले भाले हैं, आपके भीड़ का फायदा कोई और उठा लेगा और फिर वहां पुलिस आपके ऊपर खामखा में कभी कोई केस वगैरह कर देगी, आपका आपका करियर खराब हो जाएगा। तो हम आपके बारे में ही सोच रहे हैं, आपकी बातें हम वहां रख दिए और हम पूरी बखूबी रख दिए। आपको 1 से 2 दिन के अंदर आपको देखिएगा एकदम इसके बारे में आपको ठोस निर्णय आ जाएगा, एएलपी की वैकेंसी को भी लेके, और टेक्नीशियन का भी पोस्ट अलग से आएगा। टेक्नीशियन का पोस्ट अलग से आएगा, उसका फॉर्म भी अलग से आएगा, उसकी एग्जाम भी अलग से होंगे। पहले जो अलग से एएलपी और टेक्नीशियन एक में आता था, अब वो सिस्टम खत्म हो गया, अब एएलपी अलग होगा और अच्छा टेक्नीशियन अलग होगा। और ये बात हम आपको बोल रहे हैं तो जिम्मेदारी से बोल रहे हैं बाबू। हम अक्टूबर से बात बोलते आ रहे थे कि जनवरी में वैकेंसी आएगी, जनवरी में वैकेंसी आएगी। कभी हमने ये नहीं बोला कि नहीं अक्टूबर में आने वाला है, नवंबर में आ सकता है, कल आ सकता है, परसों। हमें अपनी विश्वसनीयता का पूरा ख्याल रहता है। अगर हम ये बात बोल रहे हैं तो बाबू पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहे हैं कि आपका टेक्नीशियन के साथ वैकेंसी आएगा, बस 2 दिन आप समय दे दीजिए। हम आपकी बातों को वहां रख रहे हैं, हमारी भी सुविधा समझिए। हम आपको न्याय, हम पूरा बोलते हैं कि आप संवैधानिक तरीके से अहिंसक मार्ग पर चलिए। हम आपको बात बोलते हैं कि हम आपकी बातें वहां रख देंगे यहाँ पे। अब आप ऐसा करते हैं जैसे बिना, हम कितना मना कर रहे हैं कि आप कभी इस टाइप का फिजिकल प्रोटेस्ट वगैरह कीजिएगा, किसी रेलवे संपत्ति को नुकसान करके, किसी की क्षति पहुंचा के कहीं नहीं मिलेगा। आपका उद्देश्य है कि जो बात है हम वहां बातों को रख दिए यहां पर। आप 2 दिन देखिए, 2 दिन के अंदर आपको इसके बारे में पूरा अपडेट मिल जाएगा। आपको बस थोड़ा सा समय दीजिए, विश्वास रखिए, आपको न्याय दिलाना हमारा काम है। आप पे बिल्कुल हम अपने विश्वास काम को करते हैं। जिम्मेदारी से समझते हैं। अभी हम कई चीजों को फेस कर रहे हैं एक साथ, समझ में नहीं आ रहा। मेरी दुविधा समझिए बाबू क्या है, हमको स्टूडेंट को समझाना पड़ रहा है कि बाबू स्टूडेंट आप समझो मत भटको इस सब चक्कर में, आप अभी पढ़ाई करो। उसके बाद से एडमिनिस्ट्रेशन को समझाना पड़ रहा है कि देखिए बच्चे हैं ये लोग भी, मतलब ऐसा ना हो कि आप लोग का करियर खराब हो जाए, बच्चों का। अब सोचिए अगर किसी के ऊपर केस वगैरह हो जाता है तो फिर जॉब पढ़ के भी क्या कर पाएगा वहां पे, उधर समझाना पड़ता है, उधर फिर मीटिंग समझानी पड़ती है भैया कि हाँ ऐसी ऐसी बात है, आरआरबी को भी बताना पड़ता है कि नहीं स्टूडेंट का मांग जो है वो जायज है। किस तरह से स्टूडेंट अपनी बात को नहीं रख पाते, उसके बीच में क्लास लेना पड़ता है, फिर टीचर लोगों को भी कहना पड़ता है कि भैया ये बेरोजगार बच्चे हैं, 5 साल से वैकेंसी नहीं आई है, 20,000-25,000 फीस मत लीजिए इन लोगों से, नॉर्मल फीस लेके पढ़ाना दीजिए, 1,000-1,500 में पढ़ा दीजिए, आप आपका भी कल्याण हो जाएगा, बच्चों का भी रिजल्ट होगा तो आप ही का नाम लेंगे सब, और अच्छा हो जाएगा। अब किसी बच्चे से इतने भीड़ इतने दिन इंतजार किया, उससे कोई 25,000-30,000 अगर फीस लिया जाए तो काफी ज्यादा हो जाएगा। तो हमको चारों ओर से हम पिसा जाते हैं, हमको समझ में नहीं आता है, इधर से भी चारों ओर से, और हम चीजों को समझा देते हैं। इवन हम भी जाते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के पे भी बोलते हैं तो उन लोग को भी कहना है, स्टूडेंट का कहना है कि सर आप बोलिएगा तो हो जाएगा, आपको क्या लगता है रेलवे हमारा है? नहीं, देखिए हम ये चीज मानते हैं कि हम आपकी बातों को बहुत सीरियसली रख देते हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन में भी लोग जाते हैं बोलने तो उन लोग का भी कहना है खान सर बोल दिए तो लगता है मामला गंभीर है, स्टूडेंट को लगता है नहीं सर आप बोल दीजिए हो जाएगा। तो आप हमें बोलने के लिए थोड़ा समझिए ना कि अच्छा। आप अगर जाके कहीं खान सर आप फिजिकल बहुत प्रोटेस्ट अच्छे करके हो रेलवे कसम की से, क्षति कर दीजिएगा तो हम बोलने लायक मेरा भी तो मुंह नहीं बचेगा ना। हम आपकी बात बोल आपको रहे हैं, विश्वास हमारे करेंगे पे खान सर, विश्वास कीजिए। आप 22 में भी विश्वास आप किए थे, इस निश्चिंत बार भी रहिए। विश्वास रखिए, कोई फिजिकल प्रोटेस्ट मत भाग लीजिए। अभी फिलहाल 2 दिन आप समय दीजिए हमको, हम आपसे ज्यादा दिन समय नहीं जरूर मांग रहे, जरूर दो खान दिन सर। आपको 2 दिन के अंदर बहुत जल्दी कोई ना कोई अपडेट मिल जाएगा, और इसके बहुत सकारात्मक अपडेट मिलेगा। हमने बहुत सारे मुद्दों को बोला है और वो लोग सकारात्मक ही इस चीजों को बहुत जल्दी उसको एक्सेप्ट करके आपके सामने पब्लिक कर दिया जाएगा। लेकिन रेलवे की मजबूरी समझिए, इतने बड़े एरिया को देखता है रेलवे, तो अचानक से आपको ना कोई नोटिफिकेशन तुरंत नहीं दे सकता है। तो आप भी इस चीज को समझिए, हम आपके साथ खड़े हैं और हमेशा आपका साथ देंगे।
आप चाहे हमको बोलिए या ना बोलिए, कुछ बच्चों का कहना कि सर आप बोलिए, आप बोलेंगे तो बिल्कुल हो जाएगा, हम दिला के रहेंगे बाबू, आप काहे टेंशन लेते हैं, आप भरोसा कीजिए, जितना दिन से कभी आपका भरोसा टूटने नहीं देंगे। हमने आपकी सारी बातों को रखा, एज रिलैक्सेशन को लेकर कोरोना के लिए जो 3 साल था, हर एक एग्जाम में 3 साल का दिया गया है, उस एग्जाम को दिया जाए। एएलपी की वैकेंसी को लेकर टेक्नीशियन की अलग वैकेंसी आ रही है उसको लेकर हमने बोला है, कैलेंडर के लिए भी बोल दिया है कि भैया आप लोग कैलेंडर के लिए, मुख्य उद्देश्य जो आपके मुद्दे थे उसको 1 से 2 दिन के अंदर आपको इसका सकारात्मक उद्देश्य मिल जाए। आप लोग का भी कहना है कि सर आप क्यों उतना, हम जिस दिन से वैकेंसी आई हम उस दिन से मीटिंग पे मीटिंग कर रहे हैं। तो देखिए हर चीज होना चाहिए ना, कि जैसे आप ट्विटर पे कर रहे हैं तो कोई जाके ऑफिशियल भी तो बोलने वाला चाहिए, तो हम वहां जाके अपनी बातों कर रहे हैं। और जरूर आप सबको मिलेगा, 2024 आप सबके लिए खुशहाली वाला साल लाए और इस बार सब लोग सेलेक्ट होकर जाए और बिल्कुल बेहतर ढंग से 1 से 2 दिन में इस मामले को सॉल्व कर देंगे। फिर आप बच्चों को पढ़ाई में लग जाइएगा और फिर एक अलग से फिर चैलेंज होगी कि फीस को ना बढ़ाया जाए, फिर उसमें हम आपके लिए खड़े होंगे कि इन बच्चों को 1500 लेके पढ़ा दिया जाए, ना कि इन बेरोजगारों से कोई कमाए। ये बेचारे बड़े वक्त के मारे हुए हैं, 5 साल से वेट कर रहे हैं, कोई जमीन गिरवी रख के आया है, कोई खेत बेच के आया है, कोई मतलब मजदूरी करके आ रहा है, तो कोई यहाँ होम ट्यूशन करके पढ़ा रहा है। एक बार फिर दूसरी लड़ाई होगी, पहले ये लड़ाई है कि आपको आपका वैकेंसी दिला दिया जाए, अब दूसरी है कि भैया फिर आपको आपका फीस कम फी में आपको पढ़ा दिया जाए। दूसरा प्रशासन की भी मजबूरी समझिए, वो लोग भी बेचारे परेशान हो जाते हैं, अभी आप देखते हैं कि उनको ड्यूटी छोड़ के आपके लिए लगना पड़ता है, तो कहीं भी आपकी भी ये मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आई होप आप इसे समझे होंगे, जैसे अपडेट आता है 1 से 2 दिन के अंदर आपको पक्का अपडेट हो जाएगा। जय हिंद। और जो भी ये वीडियो देखेंगे उम्मीद करता हूँ सब समझ जाएंगे। जय हिंद, भारत माता की जय।